हेलो दोस्तों, ममता किचन स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी, जिसके लिए हमने लिए हैं 2 पैकेट मैगी के, उसको निकाल कर रख लिया है। और इसके लिए हमने लिए हैं 2 छोटे प्याज, जिसको चॉप कर लिया है, 2 छोटे टमाटर, जिसको चॉप कर लिया है। थोड़ी सी हमने इसके लिए सोया सॉस ली है, आधा चम्मच मिर्च लिए हमने इसके लिए, आधा चम्मच नमक और 2-3 चुटकी हल्दी पाउडर। और इसके 2 पैकेट हैं मैगी मसाले के साथ जो आते हैं, और एक मैगी मसाला हमने अलग से लिया है। आप इसमें चाहें तो और भी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर प्याज की बनाई है सिर्फ। गैस पर हमने पानी गर्म करने रख दिया है, गैस ऑन कर दी है। इसमें 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे, कोई सा भी, जो भी आप यूज़ करते हो किचन में। पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे हम मैगी, को बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है ये, देख लेंगे इसको एक बार बीच में। ये देखिए दोस्तों, मैगी पक चुकी है हमारी। अब हम इसको हटा देंगे, कढ़ाई रख देंगे गैस पर। अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। करो देखिए दोस्तों, हमने इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है, जो गर्म हो चुका है। ये देखिए, इसमें 2-3 चुटकी जीरा डाल देंगे हम। जीरा ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है। उसके बाद ऐड करेंगे प्याज, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम ऐड करेंगे इसमें मसाले जो हमने लिए थे। मैगी मसाला ऐड कर देंगे इसमें, जो मैगी के साथ निकले थे। दो पैकेट मैगी मसाला है, 2 पैकेट ही मैगी थी, इसलिए सारा डाल देंगे। ये भी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट। ये देखिए, मसाला भुन चुका है हमारा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी, इसका पानी सारा निकाल दिया था हमने। को मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा सोया सॉस, बहुत ही थोड़ा। देखिए दोस्तों, मैगी बनकर तैयार है, गैस ऑफ कर देंगे। गर्मा गर्म मैगी हमारी खाने के लिए तैयार है। ये देखिए दोस्तों, मैगी बनकर तैयार है, और बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। वैसे भी इसको हर कोई पसंद करता है, और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बनाना भी बहुत आसान है। इसको छोटी मोटी भूख लगी हो उसमें भी बनाकर हम इसे खा सकते हैं। और मेरी रेसिपी को ट्राई करना एक बार, और कमेंट में मुझे बताना कि मेरी मैगी कैसी लगी आपको। तो वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।